बिना देखे ही बोल दूँ कि बड़ी अच्छी फिल्म है, क्या चाहते हैं आप? मैंने देखी नहीं है, मैं देखने आया हूँ, मैं देख लूँ तब आप पूछिए ना। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। हाँ, मराठी फिल्मों का बहुत बढ़िया रिवाइवल हो रहा है जिसकी मुझे बेहद खुशी है, और उमेश कुलकर्णी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसकी फिल्में वलू और वीर मैंने देखी, इनफैक्ट देउल में मैंने काम भी किया, और मुझे हमेशा लगा कि उमेश बहुत ग्रेट टैलेंट है और मराठी सिनेमा को देन है ये नेचर की। और बड़ी खुशी होती है जब और मराठी फिल्में जैसे कोर्ट, फंडरी, बेहतरीन फिल्में अजिंक्य देखने को मिलती हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि मराठी सिनेमा में इस तरह की फिल्में बन रही हैं। सिर्फ जो पुराने ज़माने में जो माइंडलेस कॉमेडीज़ बनती थी वही नहीं बन रही हैं, मीनिंगफुल सिनेमा बन रहा है। हमने देखा सर, बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिल्म में एक्ट कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसिंग की अगर बात करें तो आप कुछ आपके प्लान्स हैं मराठी फिल्मों के? और प्रोड्यूस तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मराठी सिनेमा में काम ज़रूर करना चाहूँगा। अफसोस ये है कि मैं मराठी उतनी अच्छी बोल नहीं पाता जितनी की ज़रूरत होगी, तो अगर कोई ऐसा करेक्टर हुआ जो ख़राब मराठी बोलता है तो मैं ज़रूर करूँगा। फिल्में फ़िलहाल कोई भी नहीं कर रहा हूँ, एक टेलीविज़न सीरियल मैं क्रिकेट के ऊपर मिड विकेट टेल्स जो है उसमें काम कर रहा हूँ, और दो फिल्में पिछले साल जो मैंने की थी वो अभी बाहर आने वाली हैं। एक का नाम है क्या नाम बताया आपने, वेलकम बैक, और दूसरी जो है उसका नाम है वेटिंग, जो अंग्रेज़ी में है और जो कोचिन में शूट हुई थी पिछले साल। बस ये दो फिल्में मेरी आने वाली हैं, और एक फिल्म शायद मैं अक्टूबर में उसकी शूटिंग करूंगा, लेकिन वो अभी पक्का नहीं है। ज़्यादातर वक्त मैं नाटकों में गुजार रहा हूं और एक टेलीविज़न सीरियल कर रहा हूं बस क्रिकेट के बारे में। ओके, थैंक यू। मैम इधर मैम।